चुनावी साल में अलग अलग वर्ग अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरा हुआ है। इनमें स्कूल के अतिथि शिक्षक भी शामिल हो चुके हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है कि जल्द ही नई शिक्षा नीति बनाकर अन्य राज्यों की तर्ज पर उन्हें स्थायी नहीं किया गया तो वे सड़कों पर उतर कर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में विगत 15 वर्षों से अतिथि शिक्षक पूर्ण निष्ठा, लगन व ईमानदारी के साथ अध्यापन कार्य कराते आ रहे हैं, जिन्होंने लगातार शासन प्रशासन के समक्ष बेहतर से बेहतर उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देकर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को उच्च स्तर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये कहना है स्कूलों में सेवाएं दे रहे अतिथि शिक्षकों का, जिन्होंने 20 फरवरी तक अतिथि शिक्षकों की मांगे नहीं मानने पर 21 फरवरी को भोपाल में विरोध प्रदर्शन धरना आंदोलन करने का ऐलान कर दिया। शिक्षक महासंघ के द्वारा हमारी 15 वर्षों की नियमितीकरण की मांग को लेकर हमारे शोषित और प्रताड़ित सरकार के द्वारा प्रताड़ित अतिथि शिक्षक संघ के द्वारा पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आज ज्ञापन का कार्यक्रम चल रहा है और उसी तारतम में हमने भी एसडीएम महोदय कन्नौत को आज ज्ञापन दिया है, जिसमें मांग की गई है कि अभी जो हमारे साथ में शोषण चल रहा है, जो सरकार के द्वारा हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, उससे हमें मुक्ति दिलाई जाए और हम जहाँ पर 15 वर्षों से काम कर रहे हैं उसी जगह पर हमें नियमित किया जाए। हमें हर साल स्कूल से बाहर कर दिया जाता है, तो आज हम 5,000, 7,000, 9,000 रुपए प्रति माह में विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, जबकि हमारे ही साथ में जो एक अन्य शिक्षक पढ़ा रहा है उसको 1,25,000 रुपए आप दे रहे हैं, तो एक शिक्षक से आप 5,000, 7,000 और 9,000 रुपए में काम कराते हैं और एक शिक्षक को आप 1,25,000 रुपए देते हैं, तो ये क्या न्यायपूर्ण है? सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं। 21 तारीख से पूरे प्रदेश के अंदर आज हमारा ये सरकार को चेतावनी देने का जो कार्यक्रम था वो चेतावनी देकर हम आज यहाँ से जाएंगे। इसके बाद 21 फरवरी 2023 से पूरे मध्य प्रदेश का 70,000 से 80,000 अतिथि शिक्षक अपने पूरे परिवार के साथ, अपने बीवी बच्चे अपने भाई बहन के साथ में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में डेरा डालेगा। जब तक उसके प्राण वहां पर नहीं निकल जाते तब तक भोपाल नहीं छोड़ेगा। शिक्षक हूँ, इसमें मेरा घर का भरण पोषण भी नहीं हो पाता है। मात्र 7,000 के राशि मुझे प्राप्त होती है और राशियों में चार महीने लेट हुआ हो जाता है, तो इस तरह से हम नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर प्रदेश के अतिथि शिक्षक संघ के आह्वान पर खातेगांव कन्नौद के अतिथि शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, खातेगांव।